अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर CSIR UGC के नेट के क्वेश्चंस, गेट के, IIT JEE के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो ये रहा, हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, लिमिट को फाइंड आउट करना है बस। और ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो जनरली क्या है, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और है हमारे पास अंडर रूट के अंदर, इसमें n है और ये ही n फैक्टोरियल है, ठीक है। अगर इसे कम्प्लीटली, जैसे ये आपका रिजल्ट है, इस रिजल्ट है जैसे ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर ना 1/3 है, ओके। जो भी रिजल्ट यहाँ लिख दिया जाता है उसको 1/ करके हम लोग यहाँ शो कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने n, तो n का इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल की पावर 1/n। अब ऊपर दे रखा दोस्तों 1, क्या मैं इसे कंप्लीटली इस तरीके से लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल और इसकी होल पावर 1/n। दोस्तों अगर मैं ये लिख सकता हूं इसको, तो यहां पर एक रिजल्ट आया, देखो ये इसमें क्या होता है कि un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की सारी वैल्यू के लिए हमारे पास जो un होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। फिर इसके बाद कहता है लिमिट जो है ना, un 1/n is equal to the un plus 1/un। अगर पॉजिटिव टर्म आपको मिल जाते हैं, और हमारे पास दोस्तों कंडीशन जो है 1/n फैक्टोरियल की पावर 1/n है, ये रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब ऐसा है, हम इसको लेट कर लेते हैं, xn बराबर हो जाएगा 1/ फैक्टोरियल n, और यहां पर n plus 1 फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से, n plus 1 दिस कंडीशंस, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या होगा, ये रिजल्ट 1/n+1 फैक्टोरियल नीचे रहेगा और ये 1/n, तो ये n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और n प्लस 1 जो है नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल में। नीचे वालों को ओपन कर लीजिए जल्दी से, n प्लस के 1/n और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा कितना 1/n+1। तो इस पर ले लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn+1/xn। जैसे मैं लिमिट लूंगा इस रिजल्ट पर, तो ये हो जाएगा 1/∞, मतलब 1/∞ का मतलब हो गया 0। तो इसका मतलब ये रिजल्ट 0 आ गया है। तो अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि भैया xn की पावर 1/n इक्वल टू द लिमिट xn+1/xn, और ये रिजल्ट आपका बन जाएगा, जो xn था आपका वो टर्म ये रहा जो कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा 1/ फैक्टोरियल n की होल पावर 1/(0)। दोस्तों ये बना ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।